When we have complex systems all हैव कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स ऑल कॉम्प्लेक्स to द नीड टू portions एंड the systems independently हम ये चाहते हैं कि पोर्शन ऑफ सिस्टम अपने अपने, अपने इंडिपेंडेंटली वो डेवलप भी हों और एवॉल्व भी हों ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज है इंटरडिपेंडेंसीज जो हैं वो कम से कम हो And what we uh, for that, the developers of the system need a clear and well documented separation of concerns so that the modules of the system may be independently developed and maintained. This is our main concern. The problem that uh, we need to talk about is.

given through what we call a layered pattern a layered pattern is an architectural pattern which divides the software into units that are called layers and each layer is a grouping of modules that offer cohesive set of services one of the most common uh, techniques this is यू नो यूज वेरी फ्रिक्वेंटली एंड इन अ लेर्ड आर्किटेक्चर दिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज डिडेड इंटू वेरियस हॉरिजोंटल लेयर्स विद ईच लेर लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ दाइग्राम में इस फिगर में आप देख सकते हैं कि वी हैव अ लेयर्ड सिस्टम इन विच वी हैव ए बी एंड सी थ्री लेयर्स ऑफ द सिस्टम एक दूसरे के ऊपर ये हैं आ, इसे रखी हुई हैं आ, लेयर के तौर पे हॉरिजॉन्टल लेयर्स के तौर पे आप इसे देख सकते हैं जो तो इसमें खास बात है वो ये है कि ईच लेयर इज डिपेंडेंट अपॉन वन और मोर बिलो इट फॉर एग्जांपल ए इज डिपेंडेंट अपॉन बी और सी एज वेल एंड बी इज डिपेंडेंट अपॉन सी नॉट द लेयर ऑन टॉप ऑफ इट नीचे वाली लेयर्स पे ये आ, लेयर्स डिपेंडेंट है क्या लेयर्स को आप स्किप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कि क्या इमीजिएटली बिलो जो लेयर है उस पर डिपेंडेंट है कि उसके आगे वाली लेयर्स पे भी आ, वो है ये डिपेंड करता है कि हमारा सिस्टम कैसे डिजाइन किया हुआ है ये लेयर्स आर ओपन और लेयर आर क्लोज वी विल टॉक अबाउट लिटिल लेटर बट ऊपर वाली लेयर पे ये चीज नहीं हो सकती बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो लेयर्ड स्ट्रक्चर की लेयर की फॉर्म में ऊपर नीचे हम रखते हैं और ऊपर वाली लेयर जो है वो नीचे वाले लेयर पे डिपेंडेंट होती है ओके सो दिस इज वर्ट दर्किटेक्चर एस